Good morning, students. In today's science class, we are going to study chapter 6, Animals that live on land. वो animals जो land यानी जमीन के ऊपर रहते हैं. Part 1 में हमने farm animals यानी जो खेत में जो animals रहते हैं उनके बारे में and pet animals यानी वो animals जो पाले जाते हैं उनके बारे में हमने पार्ट वन में देख लिया है. पार्ट टू में हमने गोरिल्लास एंड चिंपांजीज उनके बारे में देखा कि गोरिल्लास एंड चिंपांजीज जो होते हैं वो अदर एनिमल्स यानी जो अन्य जानवरों जो होते हैं उनसे वो क्या होते हैं, क्लेवरेस्ट यानी वो चतुर होते हैं, होशियार होते हैं. एंड नेक्स्ट हमने मंकीज यानी जो बंदरों जो होते हैं उनके बारे में देखा कि मंकीज जो होते हैं वो भी कैसे होते हैं, क्लेवर होते हैं, वो भी चतुर होते हैं, होशियार होते हैं. एंड गोरिल्लास चिंपांजीज ये जो होते हैं उनकी टेल यानी पूंछ नहीं होती है. मंकीज जो होते हैं उनकी क्या होती है, टेल यानी उनकी पूंछ होती है. गोरिल्लास चिंपांजीज एंड मंकीज ये क्या खाते हैं, ईट प्लांट्स यानी जो पौधे होते हैं वो खाते हैं, फ्रूट लीव्स यानी जो पत्ते होते हैं, ब्रांचेस यानी जो डालियां होती है वो खाते हैं. नेक्स्ट हमने जिराफ्स एंड एलिफेंट्स के बारे में जाना था कि जिराफ्स हैव अ लॉन्ग नेक. जिराफ्स जो होते हैं उनकी जो नेक होती है यानी उनकी जो गर्दन होती है वो कैसी होती है, लॉन्ग यानी लंबी होती है. एलिफेंट्स हैव अ लॉन्ग नोज कॉल्ड ट्रंक. एलिफेंट का जो लॉन्ग नोज यानी जो लंबा नाक होता है उसे क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ट्रंक. क्या कहा जाता है, ट्रंक. एंड आगे उनके जो व्हाइट कलर के जो लंबे दांत होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, टस्क. क्या कहा जाता है, टस्क. जिराफ्स एंड एलिफेंट्स ये भी क्या खाते हैं, ईट प्लांट्स ये भी पौधों को खाते हैं. उनके जो लीव्स होते हैं यानी उनके जो पत्ते होते हैं, उनके जो फ्रूट्स होते हैं, उनकी जो ब्रांचेस होती हैं उनको वो खाते हैं. यहाँ तक हमने आगे के पार्ट्स में देख लिया है. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेयर्स. बेयर्स यानी जो भालू होते हैं उनके बारे में हम जानेंगे. बेयर्स आर ऑफ मैनी टाइप्स. बेयर्स यानी जो भालू होते हैं वो भी मैनी टाइप्स यानी कई प्रकार के होते हैं. सम बेयर्स क्लाइंब ट्रीज. कुछ बेयर्स यानी भालू ऐसे होते हैं जो क्लाइंब यानी चढ़ना ट्रीज यानी पेड़ों. सम बेयर्स यानी कुछ भालू ऐसे होते हैं वो ट्रीज यानी जो पेड़ होते हैं उन पर वो चढ़ जाते हैं. मोस्ट बेयर्स स्विम वेल. मोस्ट बेयर्स यानी ऐसे बहुत सारे बेयर्स यानी जो भालू होते हैं वो स्विम यानी तैरना, वेल यानी अच्छी तरह से. मोस्ट बेयर्स यानी ऐसे बहुत सारे बेयर्स होते हैं जो पानी में अच्छी तरह स्विम करते हैं. दे ईट मैनी थिंग्स. फिश इंसेक्ट्स हनी बर्ड्स ग्रास फ्रूट एंड सो ऑन. ईट यानी खाना, मैनी थिंग्स यानी बहुत सारी चीज़ें. बेयर्स यानी जो भालू होते हैं वो बहुत सी चीज़ें खाते हैं जैसे कि फिश इंसेक्ट्स हनी बर्ड्स ग्रास फ्रूट एंड सो ऑन. बेयर्स यानी जो भालू होते हैं वो बहुत सी चीज़ें खाते हैं
जैसे कि फिश, वो खाते हैं इंसेक्ट्स को, खाते हैं हनी को, खाते हैं वो बर्ड्स को, खाते हैं ग्रास को, खाते हैं फ्रूट को, खाते हैं और भी ऐसी कई सारी चीज़ें होती है जो बैग्स यानी जो भालू होते हैं वो खाते हैं। पोलर बैग्स आर वाइट। लुक एट द फर्स्ट पिक्चर। क्या है पोलर बैग्स? क्या है पोलर बैग्स? पोलर बैग्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? वाइट कलर के होते हैं। उनका कलर कैसा होता है? वाइट कलर। पोलर बैग्स वाइट कलर के होते हैं। दे मैच द आइसी लैंड वेयर दे लिव। पोलर बैग्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? वाइट कलर के होते हैं। एंड वो कहाँ रहते हैं? आइसी लैंड। आइसी लैंड यानी जो बर्फीली जमीन होती है, जहाँ पे बर्फ होता है वहाँ पे वो रहते हैं। आइस यानी जो बर्फ होता है उनका कलर कैसा होता है? वाइट। एंड जो पोलर बैग्स होते हैं तो उनका कलर कैसा होता है? वाइट होता है। पोलर बैग्स आइसी लैंड यानी बर्फीली जमीन, जहाँ पे बर्फ होता है, ऐसी जमीन पर यानी वो बर्फ में रहते हैं। आइस का कलर वाइट, पोलर बैग्स जो होते हैं उनका कलर भी वाइट, यानी आइस एंड पोलर बैग्स वो एक दूसरे से मैच होते हैं। दोनों का कलर कैसा होता है? वाइट होता है, यानी वो एक दूसरे से क्या होते हैं? मैच होते हैं। यू रिमेम्बर दैट कि पोलर बैग्स जो होते हैं वो आइसी लैंड यानी जो बर्फीली जमीन होती है उस पर वो रहते हैं। बैग्स यानी जो भालू होते हैं वो मेनी टाइप्स यानी वो कई प्रकार के होते हैं। कुछ बैग्स ऐसे होते हैं जो क्लाइंब यानी वो ट्रीज यानी जो पेड़ होते हैं उन पर वो चढ़ जाते हैं। मोस्ट बैग्स यानी अधिकांश जो बैग्स भालू होते हैं वो स्विम वेल यानी वो पानी में अच्छी तरह तैर सकते हैं। एंड वो क्या क्या खाते हैं? क्या खाते हैं वो? फिश, इंसेक्ट्स, हनी, बर्ड्स, ग्रास, फ्रूट और भी ऐसी कई सारी चीज़ें होती हैं जो बैग्स यानी जो भालू होते हैं वो खाते हैं। पोलर बैग्स उनका कलर कैसा होता है? वाइट कलर के वो होते हैं। एंड वो कहाँ रहते हैं? आइसी लैंड यानी जो बर्फीली जमीन होती है उस पर वो रहते हैं। तो आज का हम यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम कोअलास एंड कैंगरूस के बारे में हम जानेंगे।